हेलो एस्पिरेंट्स, आज मैं अपना स्टडी रूटीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे रात को स्टडी करना बहुत पसंद है क्योंकि इस टाइम मतलब डिस्ट्रैक्शन -0% होता है, ना किसी भी तरह की कॉल्स और ना ही मैसेजेस, ना यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म की नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी कम रहता है और ना ही व्हीकल साउंड, ना ही कंस्ट्रक्शन का साउंड, किसी तरह का साउंड भी नहीं आता है। तो मेरा जो फर्स्ट टास्क है वो स्टार्ट होता है 12:30 AM, जो कि मैं न्यूज़पेपर की रीडिंग और उसके साथ साथ वो कैप्स जो न्यूज़पेपर से मुझे वो कैप्स मिलती हैं और जो रीडिंग होती है जिससे मेरा कंप्रेंशन वगैरह और क्लोज टेस्ट में मुझे हेल्प हो और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। और मैं न्यूज़पेपर मैंने द इंडियन एक्सप्रेस ट्राई किया था, लेकिन मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वोकैब का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, जो आपने सुना भी होता है दिनचर्या में जो वर्ड्स लैंग्वेज यूज़ की जाती है इंग्लिश को लेके, वो वर्ड सुने होते तो मतलब जल्दी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती, कैच भी कर पाते उन वर्ड्स को। तो मैंने ये बेसिक से स्टार्ट किया है और ये मेरा टास्क पूरा टास्क कम्प्लीट भी हो जाता है। मैं अगर 12:30 AM से जब स्टार्ट करता हूँ और ये मेरा कम्प्लीट भी हो जाता है, एक घंटा मैं करता हूँ तो ये मेरा आराम से 1:30 AM तक कंप्लीट हो जाता है। और फिर मैं बाहर जाके देखता हूँ तो बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो उस बारिश को मैं देखने के लिए बाहर जाता हूँ और काफ़ी अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा माहौल रहता है। रूम में भी बहुत गर्मी हो रही होती है तो रूम का डोर वगैरह ओपन करके अच्छे से ठंडे माहौल में पढ़ाई हो रही होती है। सेकेंड टास्क मैं स्टार्ट करता हूँ, उस टाइम मुझे स्टेनो करना है क्योंकि साथ मुझे CBT के साथ मुझे अपना शॉर्ट हैंड की भी लर्निंग कंप्लीट करनी है, जो मैं 2 AM पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में मुझे थोड़ा सा अभी मैं सोच रहा हूँ सेल्फ स्टडी से कुछ चीज़ें कंप्लीट कर पाऊँ, कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि सेल्फ स्टडी से शॉर्ट हैंड स्टेनो आपको सीखी जा सकती है। आपको एक इंस्ट्रक्टर की नीड होगी या वो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन से बहुत अच्छा होगा कि ऑफलाइन किसी कोचिंग के अच्छे से टीचर से, एक्सपीरियंस टीचर से जाके सीखें। तो पिटमैन में मैंने पूरी कोशिश की आज, वैसे तो एक्सरसाइज 1 और 2 मुझे कंप्लीट हो गई, उसमें से खाली समझना था पॉइंट्स वगैरह जो थे अपने, ठीक है, वो भी अपने अल्फ़ाबेट्स को लेके, उस साउंड्स को लेके वो मैंने क्लियर किया है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसमें मैंने वो करने के बाद प्रैक्टिस भी की है, जैसे अगर PBTD 6 जे लिख रहा हूँ तो उनको 5-5 लाइन्स में पूरी पूरी पेंसिल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हर एक अल्फ़ाबेट को, ठीक है, उन साउंड्स को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिंबल्स अप एंड डाउन वाला पूरा सीन है। तो जो भी सीनियर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता है कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेरी तो ये शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं है। स्टेनो एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है और एक ऐसी आर्ट है, एक मैराथन, इसमें प्रैक्टिस करते रहना, एक दिन में कुछ नहीं होगा, ये रातों रात सक्सेस नहीं मिलती और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी इसमें गिरने के जैसा लगे कि अब डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन चीज़ें तब अच्छा हो जाता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो अच्छे से। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, मुझे इसमें 2 घंटे लगे, इसे कंप्लीट करते करते मुझे लग जाती है भूख और देखता हूँ मैं टाइम, 2 घंटे का टाइम होने के बाद मेरा बच जाता है 4:30 AM। तो मैं जाता हूँ किचन में और मैगी बनाता हूँ। ये मैगी की रेसिपी मेरी है जो मैंने इधर उधर से देखी हुई है और ख़ुद बनाई है। तो मैगी के लिए मुझे मतलब किचन में भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, एक लाइक अ हॉबी से ले लूँ कि जितना भी स्ट्रेस होता है कम हो जाता है अगर किचन में अगर आगे 5 मिनट, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रूम पे, उन्हें पता है कि ये काम तो उन्हें करना ही है, वरना फिर तो भूख बिना भूख के पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तभी पढ़ाई हो पाएगी अगर पेट में कुछ होगा, क्योंकि फिर जितना भी आप पढ़ोगे दिमाग में कभी भी बैठेगा नहीं। तो मैंने कहा चलो कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा, मैं 12:30 से मतलब 12:30 AM से स्टार्ट किया, 4:30 हो गया, तो मैं किचन में थोड़ा सा बटर वगैरह जो भी अपनी रेसिपी है अकड़म बकड़म, ये आपको देखने में भले ना अच्छे लगे लेकिन बिलीव में दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और सुबह सुबह थोड़ा सा वेजीज डाल के और ये बटर वगैरह डाल के हैवी हो जाता है, ताकि 9 बजे तक 8 बजे तक आराम से फिर भूख की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी, मेरी मैगी वगैरह तैयार हो जाती है। थोड़ा सा पानी बॉईल करना है, वेजीज डालना है, और ये भी एक कुकिंग भी एक ऐसी आर्ट है कि कुछ लोग कुकिंग को भी मतलब काम समझ के लेते हैं, लेकिन मैंने जितना भी स्टूडेंट्स को देखा जो सीनियर्स हैं, मैं देखता हूँ वो 2-2, 3-3 लोग मिलके जब बनाते हैं, वो लाइफ का उन स्टूडेंट्स का वो जो एक ऐसा फेज़ होता है, उसे आप देखो ना, अगर इन्जॉय करो, किसी भी स्टूडेंट्स के रूम पर जाओ
या किसी भी लॉज में या फिर कहीं पे भी जहाँ पीजी टाइप का, वहाँ पे स्टूडेंट जब खुद बनाते हैं लंच, कम कम मात्राएं जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब्जियों जो आटा वगैरह कुछ भी हो, इतना कम चीज़ों में इतना स्वादिष्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स के हाथ में भी मतलब जादू होता है, खासकर लड़कों को में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। कभी ट्राई करके देखना किसी स्टूडेंट के हाथ में जो तैयारी कर रहा है रूम पे, अपना खुद खाना बनाता है। ये मेरा तैयार हो गया, मैं फिनिश कर चुका हूँ। और उसके बाद थर्ड टास्क जो मेरा आता है उसमें मैं ग्रामर इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन, क्योंकि मुझे ग्रामर भी करना है, रीडिंग भी करनी है और उसके साथ साथ वोकैब भी कवर करनी, तो मैंने स्टार्ट किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो मेरा चैप्टर है। तो इसमें मेरे जितने भी पहले बेसिक कंसेप्ट है वो मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाऊंगा। तो ये मैं प्रशांत सर से थोड़ा सा कुछ डाउट्स हैं क्लियर कर रहा हूँ, उनके मतलब डाउट्स क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ डाउट्स होंगे तो मैं जो भी फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी वहाँ से मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है, वहाँ से मैं चीज़ें क्लियर कर लूँगा। क्योंकि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब उसमें होता है, वो सब चीज़ें मुझे क्लियर करनी है, कैसे कहाँ पर यूज़ होता है ही वॉज अस सिंगुलर प्लुरल दुनिया भर की चीज़ें। तो एक तो हिंदी मीडियम हूँ तो स्टार्ट मुझे बिल्कुल ज़ीरो से करना है, तो मैं ज़ीरो से कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे टास्क कंप्लीट होते होते मुझे इसमें भी लग जाते हैं लाइक 2 आवर्स के समथिंग लग जाते हैं, ये कंप्लीट होते होते मैं 7 बज जाता है सुबह का, ठीक है। और उसके बाद मेरा रीजनिंग का टास्क होता है, उसे मैं स्किप करता हूँ। मैं रोज़ एक घंटा इंग्लिश और रीजनिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आज सावन का फर्स्ट सोमवार है और मैं भोले जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे जाना है टेम्पल में। तो नहा धो के फ्रेश होके अपने भोले जी के पास ले आता हूँ उनके दर्शन करने, क्योंकि उन्हीं की वजह से चेहरे पे आज भी मुस्कान है। और फिर वहाँ से लौटने के बाद मैं अपना एक्सरसाइज के बिना तो मैं लाइक रह ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी बैकबोन में पेन होता है दिन भर पढ़ाई करके या फिर स्ट्रेस होता है माइंड में, तो एक हैप्पी हार्मोन, ठीक है, डोपामीन वगैरह चाहिए होता है, तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा फिट रहने के लिए भी ना, क्योंकि अगर जितना भी यमी खा तो लेते हैं लेकिन अगर वो टमी में जम जाता रहेगा तो फिर टमी बहुत हैवी हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा लीन बॉडी काफ़ी ठीक रहती है और हेल्थ को लेके भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा पुशअप्स वगैरह मारता हूँ और मतलब बेली फैट को थोड़ा सा कम करने के लिए क्रंचेस वगैरह मारता हूँ, लेग रेसेस करता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा मतलब प्यार है यार। फिर स्टडी के अलावा अगर मैं कोई चीज़ किसी चीज़ से मुझे करने में बहुत ज़्यादा इन्जॉय होता है, कुकिंग और ये सब के बाद मुझे एक्सरसाइज बहुत पसंद है। थोड़ा सा ये एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करने के बाद ये सब मेरा बस आज का जो मेरा रूटीन था पूरी रात का यही था, बस मेरे आज स्किप हो गया रीजनिंग, वो मैं नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन जीएस में अभी लेके नहीं चल रहा हूँ साथ में, मैं अभी खाली इंग्लिश ग्रामर वो कैब, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं अपना शॉर्ट हैंड को लेके चल रहा हूँ। और मैं अभी जब फॉर्म आ जाएंगे तब से मैं जीएस कंप्लीट करना स्टार्ट करूँगा टॉपिक वाइज, क्योंकि जीएस का सिलेबस कोई मतलब ये नहीं जितना आप हार्डवर्क करो उतना ही आउटपुट निकले, ठीक है, लेकिन रीजनिंग इंग्लिश इन सब में है कन्फर्मेशन। तो एक यही था मेरा होल नाइट का रूटीन जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, और मतलब कुछ खास नहीं है, एक सिंपल से स्टूडेंट का एक सिंपल सा रूटीन। लेकिन अब इसे कंटिन्यू करने अगर कर लिया तो ये सिंपल चीज़ भी एक दिन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही तैयारी करता मैं भी रहूँगा और आप भी अच्छे से तैयारी करते रहिए, हर मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होगा। जितना भी स्टूडेंट अच्छे से मेहनत कर रहा है, डेडिकेट होकर हार्डवर्क अच्छे से कर रहा है प्लस स्मार्ट वर्क, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना और अच्छे से मेहनत करते रहना।